हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि इसकी रिजल्ट कैसा देखें, इसके मार्क्स कैसे देखें एसएससी जीडी के। सभी लोग परेशान हो रहे हैं। इस वीडियो को यदि आप लोग पूरा देख लेते हैं तो आपके मार्क्स 100% दिख जाएंगे, ठीक है। वो मैं बता रहा हूँ कैसे देख सकते हैं आप, 100% वर्क करेगा। यदि ये नहीं किया तो आप यहाँ पर कमेंट में जाकर गाली दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा वीडियो देखिए, यदि थोड़ा ही मिस कर दिया तो यहाँ पर आप अपने मार्क्स चेक नहीं कर पाएंगे। देखिए करना क्या है, मैं वो सबसे पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर ये लॉगिन लिखा हुआ है, यहीं से आप लोगों का खुलेगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर खुलेगा। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पर जो लॉगिन लिखा हुआ है इसमें सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। जो लोग कमेंट में कर रहे हैं वो अपना यहाँ पर रोल नंबर बता रहे हैं सभी लोग अपना, ठीक है। रोल नंबर यहाँ पर 10 नंबर का है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर है 11, यहाँ पर मतलब 11 नंबर है इसके, 11 अंक हैं, ठीक है। तो ये 11 अंक हैं वही है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको जब आप डालेंगे, यदि आपको नहीं मिल रहा हो तो जो फॉर्म है उसमें ही लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर एडमिट कार्ड है उसमें से यदि आपने देखा तो वो वहाँ पर रोल नंबर है, ठीक है। तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, 11 अंक का है, ठीक है। उसके बाद अपना पासवर्ड डालना है। वो सबसे बड़ी बात बता रही है, पासवर्ड क्या डालें। तो देखिए पासवर्ड में आपको क्या डालना है, पासवर्ड में वो डालना है कि वो आपका जन्मतिथि नहीं है, जैसे आपकी 15/4/99 है तो ये आपको नहीं डालना है, 15/4/1999 ये बिल्कुल नहीं डालना है। यदि आपने ये डाल दिया तो आपका नहीं खुलेगा। देखिए जब आपने फॉर्म भरवाते समय, जब आपने यहाँ पर दुकानदार ने एक यहाँ पर वो पासवर्ड दिया होगा, वही पासवर्ड है, ठीक है। तो ये जन्मतिथि वाला पासवर्ड नहीं है आपका, डेट ऑफ बर्थ वाला पासवर्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो वाला यदि आप डाल देंगे, आपके फॉर्म पे लिखा होगा, देख लेना पेन से। उसके बाद यहाँ पर आप टेक्स्ट डालेंगे, ठीक है, एंटर टेक्स्ट, ठीक है। तो चलिए डाल देते हैं क्या लिखना है, PA2MW, ठीक है। PA यहाँ पर PA2MW, ठीक है। यहाँ पर लॉगिन करेंगे हम, तो देखिए लॉगिन करते हैं और क्या होता है, ठीक है। तो बहुत जल्द खुलने वाला है, आप लोग कहीं भागिए मत, आपको पूरा प्रोसेस यही करनी है। यदि ये करते हैं उसके बाद मैं अभी बताऊंगा यदि आपका पासवर्ड नहीं मिल रहा है तो क्या करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर खुल जाए जल्दी से, चलिए थोड़ा स्किप कर दे। तो देखिए आप लोगों का ये खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ जैसे नाम है नकुल नायक, तो ये खुल जाएगा, वेलकम नकुल नायक, ठीक है। उसके बाद हमको करना क्या है, देखिए मैं जूम कर देता हूँ, ये लिखा हुआ है लेटेस्ट नोटिफिकेशन एप्लीकेशन हिस्ट्री मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद लिखा हुआ है रिजल्ट मार्क्स, इस पर यदि हम क्लिक कर देते हैं इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर करना क्या है, देखिए रिजल्ट आ गया, मार्क्स आ गया। यहाँ पर हम रिजल्ट को यहाँ पर एसएससी जीडी जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपका अपने आप लिखा आ जाएगा। सबमिट पे क्लिक कर देंगे, तो देखिए ये खुल गया, बस सिंपल सा है, वेलकम। उसके बाद यहाँ पर नेम आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, रोल नंबर आ गया। आप लोग ज़्यादातर ये रोल नंबर डाल रहे थे, ठीक है, ये नहीं डालना है, 10 अंक का है, 11 अंक का है, यही डालना है। कैटेगरी जनरल, ठीक है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर देखिए स्टेट लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लिखी हुई है, और उसके बाद यहाँ पर नंबर, पार्ट ए में 21, पार्ट बी में 14, पार्ट सी में 23 और पार्ट डी में 24, रॉ स्कोर 82 और फाइनल स्कोर 89, ठीक है, 7 नंबर बड़े हैं। तो इस प्रकार आप ना चेक कर सकते हैं। उसके बाद जिसका यदि पासवर्ड नहीं मिल रहा है तो आपको करना क्या है, ठीक है, वो यहाँ पर बता देता हूँ। तो बने रहिए, थोड़ा साथ में बने रहिएगा, ठीक है, जल्दी से आपको बताऊँ। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे फॉरगेट पासवर्ड पर, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका स्टेट चुन लेना है, जो भी स्टेट हो आपका, इस स्टेट्स पर जाएंगे आप। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपने यहाँ पर या ईमेल आईडी भरी हो या मोबाइल नंबर, यदि आप वो मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं जो आपने यहाँ पर फॉर्म भरते समय डाला था, वही मोबाइल नंबर यदि आप यूज इस समय कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नंबर वो डाल सकते हैं, नहीं तो जो ईमेल आईडी है वो डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे, जैसे ही, तो सबमिट पर क्लिक करते ही उसमें मांगेगा, मैं थोड़ा दिखाई देता हूँ आगे।
तो यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दी, उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि वो यहाँ पर ओटीपी खुल जाएगा एक आपका, या यदि आपने मोबाइल नंबर डाला है तो मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी आएगा, और यदि यहाँ पर ईमेल पर डाला है तो यहाँ पर वो आपको डाल देना है। उसके बाद करना क्या है, यहाँ पर ये कैप्चा डाल देना है यहाँ पर नीचे, और उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे आप तो आपका यहाँ पर वो आ जाएगा पासवर्ड। तो उसी प्रकार से आप वहाँ पर जाके आगे पासवर्ड डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आ गया है, देखिए यहाँ पे आ चुका है, तो ये आ गया है योर ईमेल ओटीपी। ठीक है, तो यहाँ पर इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। यदि कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। यदि आपके पास पासवर्ड तो आप सीधा चेक कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी तो लगी होगी, लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।